गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज आपको थर्मामीटर के एक इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। होता क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर को नापते हैं तो हमारी आदत है कि हमेशा हम जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट्स में देखने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा एक बना हुआ है कि हम हमेशा टेम्परेचर को जो नापते हैं वो 99 है या 100 है या 101, 102, इस प्रकार से हम हमेशा फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। बट क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि सेंटीग्रेड में उसको देखने की कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में हो। बट कई बार सेटिंग इस प्रकार से ख़राब हो जाती है या फिर अनजाने में हमें पता लगता नहीं है कि हमने कब इसको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो टेम्परेचर इसके अंदर, सॉरी जो थर्मामीटर है इसके अंदर अभी आपको सेंटीग्रेड में सेटिंग दिखा रहा है। तो अगर हमें इसको फ़ारेनहाइट में वापस लेके आना है तो हमें किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर बटन जो है उसको स्विच ऑफ कर देंगे। अब जब हम इसको दोबारा से पावर को ऑन करेंगे तो इसको कम से कम आपको 5 से 8 सेकंड तक इसको होल्ड रखना है, और जब होल्ड करेंगे तब आप देखेंगे कि दोनों जो सी और एफ दोनों आप इसमें ब्लिंक करेंगे। जब जैसे ही आपको जो भी सेटिंग चाहिए, जैसे हमें अभी फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो हम जब एफ ब्लिंक करेगा तब उसको रिलीज कर देंगे। जैसे अभी आपने देखेंगे कि सी एंड एफ, एफ कर दिया हमने, एफ आते छोड़ दिया तो अभी आपका फ़ारेनहाइट में आ गया, ये एफ आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसी को दोबारा से सेंटीग्रेड में आपने कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के बाद अगेन स्टार्ट बटन दबाएंगे और 5 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे। ये देखिए सी आया और हमने छोड़ दिया, अब ये सेंटीग्रेड में आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, लगातार आप वीडियोस देखते रहिए, मैं और इंटरेस्टिंग इस प्रकार की वीडियोस बनाता रहूंगा और हम जो नॉलेज है उसको शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।